ونسلم على رسوله النبي الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मिनहाज वुमेन लीग यूके की जानिब से एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसका नाम ट्रेजर ऑफ नॉलेज है, और इस प्रोग्राम की कई सीरीज हैं जिनमें ये कोशिश की गई है कि शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िलुल आली की जितनी बुक्स हैं उनका रिव्यू किया जाए, जो एक इल्मी खजाना है, उसके हवाले से अवामुन नास के लिए मालूमात पेश की जाएं और अवामुन नास इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। आज हम ट्रेजर ऑफ नॉलेज की सीरीज जिक्र अली इबादत है के फोर्थ और लास्ट सेशन में मौजूद हैं, और मैं आप सबको इस सेशन में खुशामदीद कहती हूँ। इस सेशन में हम हुजूर शेखुल इस्लाम की एक खूबसूरत किताब जिसका नाम हुब्बे अली है, इसका रिव्यू करेंगे। ये किताब सबसे पहले 1987 में पब्लिश हुई। एक्चुअल में ये हुजूर शेखुल इस्लाम का एक खिताब है जो आपने एक मजलिस में फरमाया, और बाद अज़ां इस खिताब की अहमियत को देखते हुए इसको किताबी शक्ल दी गई ताकि अवामुन नास जो नहीं सुन सके बाद अज़ां इसको पढ़कर मुकम्मल तौर पर इस्तेफादा हासिल कर सकें। इस किताब का ताल्लुक हमारा जो बुनियादी टाइटल है ट्रेजर ऑफ नॉलेज उससे बहुत ज़्यादा लिंक करता है, क्योंकि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक्दस के बाद अगर कोई इल्म का ख़जाना था तो वो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की ही ज़ाते पाक थी। इस हवाले से इस किताब में शेखुल इस्लाम ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई, माना खेज बात फरमाई, जैसा कि एक जगह पर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक अहदीस इसने इरशाद फरमाई, और वो अहदीस मुबारक इस तरह है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कुरान मजीद के जितने भी हर्फ और आयात मुकद्दसा हैं, कुरान की हर आयत और हर हर्फ का एक ज़ाहिरी माना होता है और एक बातनी माना होता है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, 125,000 सहाबा में सिर्फ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वो ज़ात थी, वो हस्ती थी कि जिनको कुरान के हर हर्फ का ज़ाहिर और बातिन दोनों का माना पता था। सुभान अल्लाह, यानी आपकी कितनी अजीम शान थी कि आका अलैहिस्सलाम के बाद इल्म का ख़जाना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ही शख्सियत को अता किया गया। इसी तरह एक मकाम पर खुद सैयदिना अली इब्न तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने कुरान के हवाले से इतना नॉलेज अता किया है कि आप जहाँ से चाहें और जब चाहें जिस जगह से कुरान के बारे में मुझसे पूछ लें, मैं ये जानता हूँ कि अल्लाह ने कुरान की कौन सी आयत को किसके लिए, किस मकसद के लिए, कब और कहाँ नाजिल फरमाया है। अल्लाहु अकबर, यानी ये खुद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इरशाद गिरामी है कि मुझे किताबुल्ला के हवाले से जो चाहे मर्जी सवाल कर दें
में हर हर्फ और हर आर जो चाहे मर्जी सवाल कर दे, मैं हर हर हर्फ और हर हर आयत के बारे में हर तरह से जानता हूँ। फिर एक बहुत प्यारी अहदीस पाक, हुजूर शेखुल इस्लाम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मकाम बयान करते हुए इरशाद फरमाई कि इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने आपके लिए फरमाया था कि अगर मैं इल्म का शहर हूँ तो हज़रत अली उसका दरवाज़ा है। तो आका अलैहिस्सलाम तो थे ही इल्म का ख़जाना, मगर उस ख़जाने का जो दरवाज़ा था, जो डोर था, जिनको डिक्लेयर किया गया, वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ात पाक को अता किया गया। जिस तरह यहाँ आपके इल्मी मकाम को बयान किया गया, आपके नॉलेज के स्टेटस को बयान किया गया, उसी तरह इस खिताब के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मोहब्बत के हवाले से बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की गई। ये बताया गया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो किसी ख़ास मसलक के नहीं, बल्कि हर मोमिन के ईमान का हिस्सा है। हज़रत अली की मोहब्बत हर मोमिन के लिए ईमान है, यानी मोमिन और रूए ज़मीन पर कोई भी कलमा को हज़रत अली की मोहब्बत के बग़ैर अपने ईमान की तकमील नहीं कर सकता। इस हवाले से आका अलैहिस्सलाम की एक अहदीस मुबारका इस किताब में मुरतब की गई है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने हज़रत अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, और जिसने हज़रत अली से बुग्ज़ रखा उसने मुझसे बुग्ज़ रखा, और जिसने मुझसे बुग्ज़ रखा उसने अल्लाह से बुग्ज़ रखा। तो इस अहदीस पाक के ज़रिए ये उम्मत को समझाया गया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत की फजीलत और शान और उसकी अहमियत, उसकी इम्पोर्टेंस उम्मत मुस्लिमा के लिए कितनी ज़रूरी है। इसी तरह इस गुफ्तगू का जो बुनियादी मरकज रहा वो ये था कि इस गुफ्तगू के ज़रिए और इस किताब के ज़रिए उम्मत मुस्लिमा के दरमियान जो सुन्नी और शिया का झगड़ा है या जो फसादात हैं, उनको बहुत प्यारे अंदाज में इस किताब के अंदर समझाने की कोशिश की गई कि किसी तरह इस फसाद को उम्मत से ख़त्म किया जाए, इस फितने को ख़त्म किया जाए, इस फिरका वारियत को ख़त्म किया जाए और एक अंडरस्टैंडिंग की जाए। क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग सिर्फ इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ज़िक्र नहीं करते कि अहले तशय्यु यानी कि शिया लोग करते हैं, तो उनकी वजह से आपका जिक्र छोड़ देते हैं, और इसी वजह से बहुत सारी गलत फहमियाँ पैदा की गई, और फिर बाद मामूलात यहाँ तक पहुँचे कि फिर इसी बुनियाद पे आगे जंग की शक्ल इख्तियार की गई और कत्लो गारत गिरी हुई, लड़ाई झगड़े हुए और फिरका वारियत का बाजार गर्म किया। हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने ये बात समझाने के लिए सहाबा कराम की एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी कि वो तो आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दूसरे का अदब और हया रखते थे। ये बात समझाने के लिए एक वाक़िया बयान किया गया कि एक दिन हज़रत इमाम हुसैन, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लख्ते जिगर भी हैं, आपके बेटे हैं, आपके साहिबजादे हैं, तो हज़रत इमाम हुसैन
और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के छोटे बेटे आपस में खेल रहे थे। इससे ये भी पता चलता है कि उनके फैमिली रिलेशन कैसे थे और उनका रिलेशन कितना पुख्ता था और कितना प्यार था, क्योंकि जहाँ फैमिलीज का रिलेशन होता है वहाँ बच्चों में भी अटैचमेंट हो जाती है एक दूसरे से। तो वो दोनों आपस में खेल रहे थे और खेलते खेलते किसी बात पे झगड़ा हो गया। तो फिर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने हज़रत उमर के बेटे से कहा कि आप मुझसे झगड़ते हैं, आपके बाबा जान तो मेरे नाना के ग़ुलाम हैं और इस तरह आप हमारे ग़ुलाम ज़ादे हैं, और आप हमारे ग़ुलाम ज़ादे होकर हमसे झगड़ते हैं। अब ये बात हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे को बचपने की वजह से नागवार सी गुजरी और वो फौरन जाके अपने बाबा जान को ये बात बताई, ये समझते हुए कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी तो आका अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम हैं और मेरे बाबा जान भी ग़ुलाम हैं, तो फिर ये क्या बात हुई। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये बात पता चली, उनके बेटे ने उनको बताई, तो वो अपने बेटे का हाथ पकड़कर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ ले गए और उनकी बारगाह में जाकर आपने हजरत इमाम हुसैन से पूछा कि आपने मेरे बेटे को कहा है कि मैं आपके कि आपके बाबा हमारे ग़ुलाम हैं और इस तरह आप हमारे ग़ुलाम ज़ादे हैं। तो फिर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इकरार करते हुए अर्ज़ की कि जी मैंने ऐसा ही कहा है, क्योंकि उनकी तरबियत इस तरह थी कि वो झूठ तो कभी बोल ही नहीं सकते थे, कभी झूठ बोलने का सोच भी नहीं सकते थे। तो उन्होंने फौरी इकरार कर लिया कि जी मैंने ऐसा ही कहा है। तो हज़रत उमर खुशी से झूम उठे और वजद में आ गए और कहने लगे कि आज अल्लाह को गवाह बना कर कहता हूँ कि आपने हमें अपनी गुलामी में कबूल कर लिया, लिहाजा हमारी बख्शिश का समा बन गया है, हमारी मग़फ़िरत की हमें ज़मानत मिल गई है और हमें जन्नत की ज़मानत मिल गई है। आपने इतनी ज़्यादा खुशी का इजहार किया। तो इस खूबसूरत वाक्ये से हुज़ूर शेख मिस्नान ने हमें ये समझाना चाहा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हों के घराने और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हों के खानवादे के साथ ताल्लुक कैसा था, क्योंकि सहाबाए कराम इसी तरह अहले बैते अथार की ग़ुलामी करते थे, इसी तरह मोहब्बत रखते थे। तो फिर हमारे दरमियान झगड़ा क्यों है, हम क्यों सहाबा को तकसीम करें और इस तरह की बातें करें जिससे उम्मत में इंतशार पैदा हो और उम्मत को कंफ्यूज किया जाए। तो लिहाजा हमें झगड़ों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सहाबा कराम की तालीमात पर अमल करके इस्लाम के परचम को बुलंद करना है, दीन इस्लाम को सर बुलंद करना चाहिए, इस्लाम की खिदमत करनी चाहिए और दीन का अमन वाला, मोहब्बत वाला, प्यार वाला पैगाम पूरी दुनिया में फैलाना चाहिए, ना कि इसके ज़रिए नफ़रतें फैलाई जाएं। तो लिहाजा इस खिताब में जो गुफ्तगू है उसका जो मेन फोकस था वो यही था कि किसी तरह उम्मत के अंदर इत्तेहाद, यूनिटी, मोहब्बत पैदा हो जाए और फसाद की जड़ ही ख़त्म हो जाए। लिहाजा मैं समझती हूँ कि ये किताब हर घर में पढ़ी जानी चाहिए और स्पेशली जो माएँ हैं उनको पढ़ना चाहिए, वो हल्का बना लें, सर्कल बना के, क्योंकि ये एक बहुत छोटी सी किताब है, ये बिल्कुल एक लीफलेट टाइप, बुक टाइप कह लें, और इसके टोटल 32 पेजेस हैं।
और जो एक्चुअल खिताब स्टार्ट होता है वहाँ से देखा जाए तो अराउंड 28 पेजेस इसके बनते हैं। बहुत छोटी सी किताब है जिसको आप बहुत कम वक्त में पढ़कर इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इस बुकलेट को, इस लीफलेट को पढ़ने के बाद आपका व्यू पॉइंट बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा कि हमारा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ात से और दीगर सहाबा का आपकी ज़ात से किस तरह का ताल्लुक था और किस तरह का ताल्लुक हमारा होना चाहिए। तो आज हमने आपके सामने खूबसूरत किताब पेश की है और इसका हदिया भी बहुत मुख्तसर है। मेरा ख्याल है 2-3 ब्रिटिश पाउंड की है जो आप मिन्हाजुल कुरान लंदन लाइब्रेरी से ऑर्डर कर सकते हैं और डिजिटल फॉर्म में भी ई लाइब्रेरी में मौजूद है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये बुक आप खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, यानी आप ये समझें कि इस किताब के अंदर इतना बड़ा इल्मी ख़जाना है जो एक समंदर को कूजे में बंद करके हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िलुल आली ने उम्मत के लिए खूबसूरत तोहफा अता किया है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन मतीन को सही मानों में पढ़ने, समझने और इस पर अमल पहरा होकर अपनी ज़िंदगी और अपनी नस्लों को ये मुंतकिल करने की तौफीक अता फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।